शॉट्स मिस कर दिए। बेकनिंग उनके ऊपर नकुल चार्ज अप करने के लिए तैयार हैं। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, दूसरे खिलाड़ी ग्रेविटी की एचपी थोड़ी सी कम जरूर है, शॉट्स लेने की इनकी कोशिश चल रही है। अच्छी फाइट्स निकालनी पड़ेंगी, अपने टीममेट्स को बचाना है। दूसरी तरफ रॉनी, उनको सीधा नॉक फिनिश, लॉबस्टर प्लेज उनका शिकार हुए, पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फिनिशर्स ले जा पाए, पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिला। इंसीडियस उन्होंने भी वहां पर एक नॉक निकाला तो सही है, जब 20 उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आया, आरटीजी एक साइन डी उनका भी एलिमिनेशन, और अब वो फिनिश स्पीड रुकने से रहा। पर टीम लॉल एक लौती ऐसी टीम है ओशन, जो आपको सर्कल के अंदर दिखाई देगी, और उनके पास वो तीन खिलाड़ी भी। टीम लॉल्स पॉइंट से भी सर्कल छिन चुका है, लेकिन अब ये मौका है जोन के अंदर मूव करने का, एज के एरिया को हटाने का। नकुल की एचपी काफी ज्यादा कम, स्मोक के एरिया के अंदर वो हील करते नजर आएंगे। निंजा जॉट का भी कवर उनको मिलता हुआ, लेकिन सामने संचित अपनी टीम के लिए अभी भी अटल खड़े हैं। टीम ब्लाइंड वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, ग्रेनेड वो उतना दूरी तय करेगा नहीं। संचित उनके भी करीबी में वो ग्रेनेड आया, थोड़ा डैमेज पड़ा, पर संचित का ग्रेनेड वो दूर तक नहीं आ पाया। पर पावर उनका वो जो फिनिश था वो गॉड्स रेन ने निकाला है, डेल्टा पीजी उनका एलिमिनेशन हुआ, और संचित जवाखड़ी खिलाड़ी बचे हुए थे। और मैं कह भी रहा था कि ब्लाइंड वो पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं, और संचित को देख लिया गया। पर वीएक्सटी वर्सेस गॉड्स रेन, उनके बीच में फाइट वेनम बचते हैं, एक आखिरी खिलाड़ी अल्टू डाउन है, फ्यूरी उनको भी डाउन करा गया, एक ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीबी वो मामला, और आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी वेनम उनका भी एलिमिनेशन। पर टीम रेकनिंग उन्होंने इस फाइट को सोल, यहां पर ये विन चाहती है, दोनों टीम्स के लिए ये जीत बहुत जरूरी। सोल का बैटमैन उन्हें डाउन किया जाएगा, निंजा जॉर्ड बचे हुए, इकलौते खिलाड़ी, ग्रेनेड्स की वर्षा फिर से होती हुई। हैदराबाद हाइड्रास चिकन को पक्का ऑलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या उनके मुंह से निवाला छीन करके निंजा जॉर्ड अपने पास ये चिकन डिनर लेकर के आ पाएंगे। ये ग्रेनेड पोजीशन बदली है अपनी, नकुल को आगे की तरफ को रखा है फ्रंट लाइन, और निंजा मोस्ट प्रोबेबली आगे मूव करते नजर आएंगे। यस, एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा, फीनिक्स लास्ट मैन सर्वाइविंग, वोंट बी एनी मोर। आइकुसोल एक क्लीन फाइट लेकर के दो और दो फिनिशर्स अपने अपने टीममेट्स के पास, मांडिया और नकुल लेकर के बैठे हैं। चार फिनिशर्स आ चुके हैं, बट शॉट्स अभी भी आ रहे हैं आइकुसोल के ऊपर, जोन के अंदर जाना एक कड़ी चुनौती रहेगी। डेस्ट्रो काफी आगे आ गए, कभी सही समय पर लेकर के आए। आइकुसोल क्या वो जोन को प्रायोरिटाइज करेंगे, या वो अभी भी एज की ये फाइट लेना चाहते हैं। निंजा जॉर्ड अभी भी रुके हुए, डेस्ट्रो वेट कीप करते हुए नजर किया है, और आइकुसोल को रोका है एक एक हद तक, बट मोगो के पास अभी भी नंबर्स गेम एडवांटेज है। ओशन वो चाहे तो और बेहतर तरीके से यहाँ पे रोक सकते, कितनी अलग अलग टीम्स के प्लेयर्स को नॉक कर रहे हैं वो। पहले उन्होंने टीम क्रो के अब प्लेयर को नॉक किया, उससे पहले इम्प्रिंट के प्लेयर को नॉक किया था, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। बट आइकुसोल मोगो के पावर को डाउन किया, वापस अटैक करने के लिए नकुल अब आगे गए हैं, निंजा जॉर्ड ऑलरेडी दूसरी तरफ से स्प्रे करते हुए, मोगो मुश्किलें तो इनकी भी अब बढ़ रही है। ओशन निंजा जॉर्ड को जोन खा रहा है, लेकिन वो खिलाड़ियों को खा रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर इस समय फाइट्स के लिए। नकुल ग्रेनेड्स उनकी तरफ से जाते हुए, एस पावर को खत्म किया, जस्टिन को डाउन किया, मोगो की पूरी रथ को यहां पर रोकने के लिए तैयार, तैनात और तत्पर आइकुसोल। खिलाड़ी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, पांच फिनिशेस इनके पास आ चुके हैं, क्या छठा, बट इन ग्रेनेड से बच करके रहना पड़ेगा, स्प्लैश डैमेज भी खा सकता है। नकुल इज अ टॉप प्लेयर, वी ऑल नो दैट। एक 3v2 की सिचुएशन अब बनती हुई है, बट मोगो की तरफ से अगर देखें, डेस्ट्रो डेल्टा पीजी दोनों के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, हालांकि क्रो पॉइंट्स की कमी है इस बार उनके पास, एक किल बैटल तो दो। ग्रेनेड क्लच को टेक डाउन करने की कोशिश हो सकती है, काफी लो उनकी एचपी, बाकी काम जोन कर सकता है नहीं। निंजा जॉर्ड विजर्ड को उनका फिनिश यहां पर आया जरूर, और रॉनी अपने आए गए हैं, नकुल आगे गए, लेकिन उससे ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आइकुसोल ने एक चीज बोल दी है, दे आर नॉट हियर टू गिव द विंस। मैच की कमबैक मुझे लगता है कि इस मैच में बहुत सारी टीमों ने करके दिखाया। आप बात करें, आप